शुरू करते हैं आज की भी टेक न्यूज। और दोस्तों आज भी आपके लिए गर्मा गर्म टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टेक खबरी लेके आए। लेकिन दोस्तों वीडियो पसंद आएगी लाइक करना और फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों ये हमारा राइट स्टाइल टेक न्यूज नंबर 47। हमारे टोटली 47 एपिसोड्स कंप्लीट हो गए और हमने एक दिन भी स्किप नहीं किया। सो अब चालू करते हैं टेक न्यूज। सो पहली खबर की बात करते हैं और शुरुआत करते हैं यहाँ पर ऑनर की तरफ से। ऑनर X10 5G टू कैरी पॉपअप सेल्फी कैमरा और ऑनर X10 प्रो विथ पेरिस्कोप कैमरा टिप्ड है। सो दोनों भी ऑनर X10 और X10 प्रो में आपको 16 मेगापिक्सल का पॉपअप कैमरा मिलेगा और इसका डिजाइन भी दोस्तों टिप्ड होगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो उसका डिजाइन। सो ये है ऑनर X10 और ऑनर X10 प्रो। और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि ऑनर X10 5G में आपको किरिन 820 का प्रोसेसर मिलेगा और 40 मेगापिक्सल का आपको मेन कैमरा मिलेगा और सोनी MX600Y का सेंसर होगा दोस्तों। और प्राइस एक्सपेक्टेड है टू बी अराउंड 24,400 फॉर ऑनर X10 5G और अराउंड 30,000 to 34,000 ऑफ ऑनर X10 प्रो। सो अभी इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस नहीं है लेकिन ऐसा एक्सपेक्टेड है कि इसमें आपको 4200 mAh की बैटरी मिले और 22.5W की फास्ट वायर चार्जिंग का सपोर्ट मिले दोस्तों। और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि ऑनर X10 प्रो में तो आपको 20W की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी मिले दोस्तों। सो अब ये जल्दी लॉन्च होने वाला है और ऑनर X10 प्रो में आपको शायद 90Hz की रिफ्रेश रेट मिल सकती है दोस्तों। सो जब ये लॉन्च होंगे सो हम इसके ऊपर एक वीडियो जरूर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं और अगली खबर है आईकू की तरफ से। आईकू Z1 5G 2 कंफर्म्ड है कि इसमें आपको मिलेगा MediaTek Dimensity 1000 प्लस प्रोसेसर और 44 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट। सो आईकू Z1 5G दोस्तों जल्दी लॉन्च होने वाला है। उसमें आपको ट्रिपल कैमरास मिलेंगे और ब्लू और सिल्वर कलर ऑप्शंस मिलेंगे दोस्तों। सो अब इसमें आपको कंफर्म्ड है कि इसमें आपको मिलेगा MediaTek Dimensity 1000 प्लस का प्रोसेसर और ट्रिपल कैमरास मिलेंगे दोस्तों। सो ये लॉन्च होने वाला है May 19, 2:30 PM इन इंडिया टाइम। और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि इसकी प्राइस हो सकती है रफली अराउंड ₹20,000 to ₹25,000 फॉर द बेस वेरिएंट। सो जब ये लॉन्च होगा सो हम इसके ऊपर एक वीडियो जरूर करेंगे। सो स्टे ट्यून। दोस्तों अगली खबर है Amazon की तरफ से। Amazon Fire HD 8 2020 Fire HD Plus और Fire HD 8 Kids Edition 2020 विद अप टू 12 आवर बैटरी लाइफ दोस्तों लॉन्च हो गया है। और Amazon का Fire HD 8 Plus में तो आपको वायरलेस चार्जिंग डॉक भी मिलता है दोस्तों। से टैबलेट है, 2GB की रैम है, 32GB की स्टोरेज है और 12 आवर्स का आपको बैटरी बैकअप मिलता है। और इसमें आपको 3GB और 64GB भी मिलती है दोस्तों। और आई थिंक दिस इज अ डिसेंट टैबलेट और USB टाइप सी पोर्ट भी मिलता है और इसमें आपको 12 आवर की बैटरी लाइफ मिलती है और जो वेट है वो है 355 grams। सो और इसकी प्राइस है रफली ₹12,000। सो उस प्राइस पे अगर इंडिया में आता है सो दिस इज अ गुड टैबलेट। और दोस्तों अगली खबर है Amazfit की तरफ से। Amazfit Air is coming on May 19। जी दोस्तों ये एक Amazfit की तरफ से नया स्मार्ट वॉच है और Amazfit आजकल दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छे स्मार्ट वॉच ला रहा है। सो Amazfit Air is भी उनमें से ही है और ये लॉन्च हो रहा है May 19 और इसके अभी तक स्पेसिफिकेशंस लीक नहीं हुए लेकिन शायद इसमें आपको हार्ट रेट सेंसर मिल सकता है दोस्तों। सो ये लॉन्च हो रहा है May 19। सो मैं काफी एक्साइटेड हूँ Amazfit Air के लिए। दोस्तों हमारी टेक न्यूज कैसी लग रही? अगर अच्छी लग रही लाइक करना ना भूले। दोस्तों अगली धमाकेदार खबर आ रही है MediaTek की तरफ से। MediaTek टू इंट्रोड्यूस अ न्यू 5G चिपसेट ऑन May 18। या दोस्तों अभी हमने देखा Dimensity 800 और Dimensity 1000। सो शायद शायद दोस्तों MediaTek एक नया प्रोसेसर ला रहा है और ये इंट्रोड्यूस होगा, ये 5G प्रोसेसर होगा दोस्तों और ये इंट्रोड्यूस किया जाएगा ऑन May 18। सो इसके अंतुतु स्कोर्स दोस्तों काफी अच्छे हो सकते हैं। सो जब ये लॉन्च होगा और हमें अभी तक पता नहीं है कि कौन से स्मार्टफोन में सबसे पहले ये एकदम नया 5G चिपसेट मिलेगा। लेकिन दोस्तों कोई भी स्मार्टफोन हो उस स्मार्टफोन पे हम एक वीडियो तो दोस्तों जरूर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। एंड और दोस्तों अगली खबर है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग गैलेक्सी A21s के स्पेक्स और प्राइस और रेंडर लीक हो गया है। मैं आपको यहाँ पर पिक्चर दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो ये सैमसंग गैलेक्सी A21s
और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि इसमें आपको 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का कैमरा मिले, ट्रिपल कैमराज हो और 5000 mAh की बैटरी हो, 191 ग्राम्स का वेट हो इसका और 8.9 mm की थिकनेस हो और 1 UI आउट ऑफ द बॉक्स मिले, एंड्रॉइड 10 भी मिले दोस्तों और 32 GB और 64 GB मिले। और दोस्तों इसमें आपको एक्सिनॉस 850 का प्रोसेसर मिल सकता है और 3 GB की रैम मिल सकती है। सो अभी तक इसके फुल स्पेक्स नहीं आए, लेकिन जब इसके फुल स्पेक्स आ जाएंगे सो हम इसके ऊपर एक वीडियो तो दोस्तों जरूर करेंगे। सो 3.5 mm जैक भी इसमें आपको मिलेगा और ब्लूटूथ 5.0 और NFC भी इसमें आपको मिलेगा। सो इसके जब फुल स्पेक्स आ जाएंगे सो वीडियो दोस्तों जरूर करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। दोस्तों अगर आपको इंडिया में वन प्लस 8 या 8 प्रो लेना चाहते थे आप, सो आपकी तरफ से खुश खबरी आ रही है दोस्तों, वन प्लस 8 और 8 प्रो ऑफिशियली जाने वाले ऑन सेल इन इंडिया ऑन May 29th। सो अगर आप लेना चाहते हो सो May 29th के बाद आप वन प्लस 8 और वन प्लस 8 प्रो ले सकते हो दोस्तों। और इसकी प्राइस बता देता हूँ, वन प्लस 8 की प्राइस है ₹41,999 फॉर द 6GB 128GB और 44,999 फॉर द 8GB 128GB और 49,999 फॉर द 12GB 256GB और वन प्लस 8 प्रो की प्राइस है ₹54,999 फॉर द 8GB 128GB और 59,999 फॉर द 12GB 256GB। वैसे हमने इसके ऊपर वीडियो किया है फुल डिटेल्स एंड स्पेसिफिकेशंस का, नहीं देखा जाए जरूर देखें, उसमें आपको वन प्लस 8 और 8 प्रो दोनों के भी हमने फुल स्पेक्स डिटेल में बताए हुए दोस्तों, इसलिए मैं आज वन प्लस 8 और 8 प्रो के स्पेक्स आपको नहीं बता रहा हूँ। अगर स्पेक्स जानने तो आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों अगली खबर है नोकिया की तरफ से, नोकिया 3.1 प्लस को स्टार्ट हो गया रिसीविंग एंड्रॉइड 10 का अपडेट विद अप्रैल सिक्योरिटी पैच। सो अगर आपके पास है नोकिया 3.1 प्लस सो जाइए अपडेट कीजिए, आपको एंड्रॉइड 10 मिलेगा और भी बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे और अप्रैल का आपको सिक्योरिटी पैच मिलेगा दोस्तों। सो जरूर अपडेट कीजिए और मजे पाइए। और दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं और अगली खबर है Xiaomi की तरफ से, Xiaomi अनवील कर दिया अपने Mi AirDots 2 SE और ये चीपर वर्जन है ऑफ द AirDots 2S। सो ये चीपर वर्जन है दोस्तों, इसमें भी ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स है, इसमें भी आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, प्राइस है CNY 170 और आई थिंक फॉर दैट प्राइस ये काफी अच्छे ब्लूटूथ ईयरफोन्स है। ब्लूटूथ 5.0 का आपको सपोर्ट भी मिलता है और 20 आवर्स की बैटरी लाइफ है और ये चार्ज होगा इन 1 to 1.5 आवर्स। सो आई थिंक ये काफी अच्छा, आपको केस भी मिलती है, 48 ग्राम की का वेट है केस का और इसका इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं और ये चीपर वर्जन है ऑफ द Mi AirDots 2S। सो Mi AirDots 2S ही दोस्तों बहुत अच्छे ट्रूली वायरलेस ईयरफोन और प्राइस भी दोस्तों इसकी कमाल की है। धमाकेदार खबर आ रही है रियलमी की तरफ से, न्यू रियलमी वॉच टीजर लीक हो गया दोस्तों और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि ये अनवील होगा ऑन May 25th। जी दोस्तों वैसे भी May 25th को रियलमी के 8 न्यू प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, कल की टेक न्यूज में मैंने बताया हुआ है, कल की टेक न्यूज जरूर देखेगा, लिंक्स मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। और ये रियलमी वॉच दोस्तों बहुत ही दिनों से हम बात कर रहे हैं और शायद ये आ जाएगा May 25th को, एक्सपेक्टेड है कि ये लॉन्च, क्योंकि उन्होंने टीजर डाल दिया और कहा है कि ये कमिंग सून है। सो अगर कमिंग सून है दोस्तों, सो मेरे हिसाब से अगर ये 25th को लॉन्च होगा May 25th सो हम इसके ऊपर वीडियो जरूर करेंगे दोस्तों, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द वीडियो। और दोस्तों अगली भी खबर है रियलमी की तरफ से, रियलमी रीचेस 35 मिलियन ग्लोबल यूजर्स। या दोस्तों रियलमी के पूरे वर्ल्ड में अब टोटल 35 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स हो गए। सो बहुत लोगों ने दोस्तों रियलमी को लिया है, रियलमी का स्मार्टफोन लिया है, सो आई थिंक अब रियलमी काफी अच्छे लेवल पे। और मैं तो एक रियलमी का एक और एक फोन जिसका नाम है ब्लेड रनर, ये भी दोस्तों जल्दी लॉन्च होने वाला है, एक गेमिंग स्मार्टफोन होगा और अभी तक इसके स्पेक्स नहीं आए दोस्तों, लेकिन शायद इसमें आपको 865 प्लस या 865 का प्रोसेसर मिल सकता है और अब रियलमी ने रीच कर दिया 35 मिलियन ग्लोबल यूजर्स। और दोस्तों अगली भी खबर है रियलमी की तरफ से, रियलमी बड्स एयर नियो। जी दोस्तों रियलमी बड्स एयर नियो के डिजाइन, बैटरी लाइफ और भी दोस्तों काफी सारे फीचर हो गए हैं रिवील। सो रियलमी बड्स एयर नियो में आपको USB टाइप सी पोर्ट मिलेगा, 17 आवर्स की बैटरी लाइफ मिलेगी विच इज इनक्रेडिबल और बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे दोस्तों। R1 का चिप होगा विद ब्लूटूथ 5.0 मॉड्यूल। सो अब इसके फुल स्पेक्स दोस्तों लीक नहीं हुए, लेकिन रियलमी बड्स एयर नियो का एक बॉक्स आ गया दोस्तों और बॉक्स में
हमें बहुत सारी चीजें दिख रही है। जो उसका केस है दोस्तों वो सेम लग रहा है एज रियलमी बर्ड्स एयर। सो ये रियलमी बर्ड्स नियो शायद जल्दी लॉन्च हो जाए चाइना में और शायद उसके बाद लॉन्च हो जाए इंडिया में। और इसमें आपको ब्लैक और व्हाइट कलर वेरियंट्स मिलेंगे, ये तो अभी तक कन्फर्म्ड है। और कोई कलर मिलेगा सो हम टेक न्यूज में या वीडियो में आपको जरूर बताएंगे। सो स्टे ट्यून। और इसमें आपको 13 mm के स्पीकर, 51% का रिडक्शन इन लेटेंसी वाइल रियलमी गेम मोड इज ऑन, और नो वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलेगी आपको, माइक्रो यूएसबी पोर्ट आपको नहीं मिलेगा और यूएसबी टाइप सी पोर्ट होगा। और अब मैंने आपको स्पेक्स बता दिए, सो ये जब लॉन्च हो गए सो हम इसके ऊपर एक वीडियो जरूर करेंगे। सो स्टे ट्यून। चलिए दोस्तों टेक न्यूज होती है खत्म। और आज की टेक न्यूज आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना एंड स्टे ट्यून एंड फ्रेंड्स स्टे सेफ स्टे एट होम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड आई विल मीट यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। टिल देन ऑलवेज कीप स्माइलिंग।